से रूपा जी रुख करें अगर कच्चे तेल की तरफ, तो कच्चे तेल में भी देख रहे हैं आज भी लगातार बढ़त का दौर जारी है। जब से रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है तब से लेकर अब तक कच्चे तेल ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। कच्चे तेल में 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर काफी शानदार बढ़त देखने को मिली है, वो दौर देख रहे हैं आज भी जारी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल देख रहे हैं 2.5% की तेजी के साथ $131 के ऊपर है, वहीं WTI $126 के ऊपर। रूपा जी, कच्चे तेल में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से रशिया पर बैन लगाया जा रहा है, तो ऐसा करना क्या सही रहेगा बाकी देशों के लिए? क्योंकि अगर रशिया को फाइनेंशियली चोट पहुंचा भी दी जाए तो बाकी जो अर्थव्यवस्था है बाकी देशों की, जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से तो अपना कच्चा तेल खरीदेंगे ही, और अगर कच्चा तेल खरीदते हैं तो वो महंगा पड़ेगा, और ऑयल रिजर्व्स भी किसी भी देश के पास इतने नहीं है कि हमेशा के लिए ही पूरी जिंदगी भर के लिए जो कच्चा तेल है उसकी सप्लाई होती रहे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कच्चे तेल में यहां से अब कितनी मंदी तेजी है, और सिनेरियोस क्या रहने वाले हैं, फंडामेंटल्स क्या रहने वाले हैं अब? देखिए अखिलेश, जहां तक कच्चे तेल के फंडामेंटल्स की बात है, सप्लाई देखिए पहले भी कम थी और अब जो ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इस स्थिति के मद्देनजर रूस जो है वो नीचे आने को तैयार नहीं है, यानी कि उसका नरमी का रुख अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, और उसको सबक सिखाने के लिए सभी देशों की तरफ से जो ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, अगर रूस की इकोनॉमी को इफेक्ट किया जाता है, डेफिनेटली दूसरे देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी इसका असर आता हुआ दिखाई देगा। और जो ये तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देशों में कई तरह के रूस के ऊपर और भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, और अभी फिलहाल क्रूड की सप्लाई जो है वो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बनती हुई दिखाई दे रही है, और रूस का हिस्सा ग्लोबली सप्लाई में बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है ये प्राइसेस के अंदर उछाल देखने को मिल रहा है। और अब जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उस सिनेरियो के चलते अभी यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई जल्द खत्म होने के फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही है नेताओं के बीच में, लेकिन अभी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि रूस अपने रुख में नरमी दिखाने को फिलहाल तैयार नहीं है। तो उधर यूक्रेन के लोग भी पूरी तरह से जो है अपने राष्ट्रपति के साथ हैं और रूस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई भी हल निकलता दिखाई नहीं दिया, और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि रूस की इकोनॉमी के ऊपर तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, और उसके साथ जो है दूसरे देशों की इकोनॉमी के ऊपर भी असर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूती दिखाई देंगी, और उससे उसके चलते रोजमर्रा की चीजें जो है, दैनिक रूटीन की जो चीजें हैं, वो महंगी होती हुई दिखाई देंगी। तो फिलहाल जो है इकोनॉमी के ऊपर बुरी तरह से असर आता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर स्थितियां और गहराती हैं तो कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट होती हुई दिखाई दे सकती है, और इसका असर कच्चे तेल पर तेजी का है। फिलहाल कच्चा तेल $135 से $140 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, जैसे कि आपने बताया कि कच्चे तेल जब महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होती है, जिसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, वो उन पर असर पड़ता है। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आ रही है कि अभी जो चुनाव है उसके चलते कच्चे तेल की पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस हैं भारत के अंदर, वो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं उन पर अभी दबाव बना हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का, और उनकी तरफ से ही ये बयान निकल के सामने आया है कि अभी करंट प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के देखने को मिल रहे हैं, और जिस दाम पर वो कच्चे तेल, वो पेट्रोल डीजल अभी मार्केट में बेचा जा रहा है, उसमें मुनाफा जो है उसमें ₹15 के आसपास का डिफरेंस है, यानी कि अभी पेट्रोल डीजल की कंपनियों को घाटे में पेट्रोल डीजल बेचना पड़ रहा है इतने लंबे समय से। आपको क्या लगता है, अगर जैसे ही एक बार चुनाव खत्म होते हैं और कंपनियों को एक बहाना मिलता है अपने पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाने का, तो करंट मार्केट को देखते हुए पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कितने और ऊपर जा सकते हैं? देखिए, प्राइसेस तो ऊपर जाते ही दिखाई देंगे, और बिल्कुल इलेक्शन की वजह से अभी यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस में उछाल नहीं देखने को मिला है, लेकिन आगे चलकर अभी जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद डेफिनेटली कच्चे तेल के साथ साथ जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी उछाल आता हुआ दिखाई देगा। लगातार दुनिया भर में भी फिलहाल जो है वो तेल की कीमतें तेज होती हुई नजर आएंगी, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। अभी शेल का भी एक बड़ा फैसला निकल कर आया है कि वो रूस से कच्चा तेल और नेचुरल गैस जो है फिलहाल नहीं खरीदेगा। तो एनर्जी का संकट फिलहाल गहराता हुआ दिखाई दे रहा है सभी कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि रूस जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तो अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं वो काफी गंभीर है, और इससे चलते
पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल सब चीजें फिलहाल महंगी होती दिखाई देंगी। जी रूपा जी, क्रूड में भी हमने देखा है कि जो ओपेक प्लस है वो भी प्रोडक्शन बढ़ाने को अभी तैयार नहीं है। ओपेक का कहना है कि वो अपने पुराने प्लान पर ही स्टिक टू रहेंगे, और उधर से जो अमेरिका है और उसके यूरोपीय सहयोगी देश हैं, उन्होंने रशिया के एक्सपोर्ट का क्रूड एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी है कि वो कहीं से भी कच्चा तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, अब अमेरिका जो धीरे धीरे यहाँ से क्रूड की बढ़ी हुई मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है और ओपेक ऐसे में उत्पादन नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में इससे क्रूड के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं? देखिए क्राइसिस तो अभी भी दिखाई दे रहा है, गिराता हुआ दिखाई दे रहा है दुनिया भर में। आज जिस तरीके की डिमांड निकल रही है और सप्लाई है नहीं, और बिल्कुल ओपेक देशों को मुझे लगता है कि अगर अब ओपेक की मीटिंग होती है तो मे भी कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर, क्योंकि अभी स्थिति पहले भी स्थिति सप्लाई को लेकर चिंता थी और अब तो स्थिति और ज्यादा गहरा गई है। तो ऐसे में हो सकता है कि ओपेक देशों की तरफ से कुछ नरमी का रुख आए और सप्लाई को लेकर कुछ अपडेट निकल कर आए, लेकिन फिलहाल के लिए क्रूड की जो स्थिति है वो डेफिनेटली अगर यहाँ से क्रूड और ज्यादा तेज होता है तो और ज्यादा इकोनॉमी के लिए अब जो है वो नुकसान वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि 125-127 डॉलर पर क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट ब्रेंट जो है वो 130 के ऊपर निकल चुका है, WTI जल्द ही 135 डॉलर का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है, और हमें लगता है कि अगर 135 डॉलर के ऊपर निकलता है मार्केट तो 150 डॉलर के आसपास सस्टेनेबिलिटी आ सकती है, और अगर स्थितियां और ज्यादा खराब हुई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्रूड 200 डॉलर से लेकर 300 डॉलर के बीच जो टारगेट आ रहे हैं मार्केट में वो अचीव होते हुए दिखाई दे, तो आप सोचिए जब अगर 200 डॉलर क्रूड हो जाएगा तो क्या स्थिति देश की होगी, इकोनॉमी किस तरीके से रिएक्ट करेगी, काफी स्थिति जो है वो गंभीर होती हुई दिखाई देगी। जो टारगेट आ रहे हैं मार्केट के अंदर और जो स्थिति बनती दिखाई दे रही है डिमांड और सप्लाई को लेकर वो काफी चिंताजनक है, और ऐसे में एक्सपेक्टेड है कि अभी प्राइसेस के अंदर कहीं से कोई ईज ऑफ आता हुआ दिखाई नहीं देगा। जब तक रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई में कुछ भी समझौता नहीं होता तब तक बाजारों में लगातार उछाल बना रहेगा। जी